हाथ झटके साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री जी को रोजगार नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे ले आया। चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। रोहिणी जी लड़ने मतलब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। अभी लोकसभा चुनाव का महाउत्सव चल रहा है और महाउत्सव के अवसर पर हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं और वहां के लोगों की राय जान रहे हैं। और अभी हम पटना से यहां आ चुके हैं सारण लोकसभा क्षेत्र। सारण लोकसभा क्षेत्र एक होट सीट है बिहार का, जहां पर लालू जी की लाडली सिंगापुर से आकर के चुनाव लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य, और उन्हीं का आज जो है प्रोग्राम है सारण क्षेत्र में, जहाँ पर तेजस्वी यादव थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अद्भुत होने वाला है। हम यहाँ लोगों से बात भी करेंगे और तेजस्वी यादव जी जब आएंगे हेलीकॉप्टर से तो सीन भी आपको दिखाएंगे, और तेजस्वी यादव जो भी बोलेंगे वो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर सारण लोकसभा क्षेत्र, परसा विधानसभा में विशाल जनसभा, जहाँ पर नेता अभी स्पीच दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य भी मंच पर आ चुकी हैं और थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव जी आएंगे हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तेजस्वी यादव जी को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है, जो हेलीपैड बनाया गया है उसके चारों तरफ। हेलीकॉप्टर देखने आए हैं चाचा? नहीं, हम लोग आए हैं भाषण सुनने। अभी तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए खड़े हैं। अरे तो खड़ा है तो अभी आएंगे तो हम लोग भाषण सुनेंगे। हेलीकॉप्टर देख रहा है? हाँ जी। कितना उम्र हो रहा है? अब कहा जाने वो था ही नहीं है। आप तक हेलीकॉप्टर देखे थे? नहीं देखे हैं। नहीं, पहली बार देखे। हाँ, इसीलिए आए। देखिए कहाँ, कौन से गांव से आए? बगल में गांव है, चेवर में गांव है। अच्छा, कितना उत्साह है हेलीकॉप्टर देखने को लेकर? खूब बढ़िया है। अच्छा, खूब बढ़िया है। धूल उड़ेगा तो भागेंगे नहीं ना? भागेंगे, थोड़ा गर्दा पर भागेंगे नहीं, बुर्बक आदमी है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी को भी देखना है? हाँ हाँ, उनको भी देखना है। वोट किसको दे रहा है? अब वोट भगवान जाने, अभी पता नहीं है। अभी जाएंगे तब ना, उसमें जाएंगे कौन मुंड करेगा, 24 घंटे में 72 में मुंड घूमता है। अच्छा। मुंड कहाँ घूमेगा कौन जानता है। अभी कौन क्रिया ख्याल है किसी को देंगे? अभी हेलीकॉप्टर देखना है? नहीं, हम रोहिणी को देखने आए हैं, जो कितना शक्ति है। अच्छा, हाँ जीतेगी रोहिणी आचार्य? हाँ जीतेगी। यहाँ पर तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर आ चुका है और आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरा पर माहौल बन गया, मौसा आ गया, मोदी जी का मौसा। ये देखिए यहाँ पर आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हाय, मोदी जी का मौसा आ गया, मोदी जी का मौसा, हाय मोदी जी का मौसा है मौसा। अच्छा, और ये देखिए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, ये देखिए हेलीकॉप्टर जहाँ पर टेक ऑफ करेगा, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। हेलीकॉप्टर देखने आए हैं? हेलीकॉप्टर देखने? हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर देखने। अभी तक नहीं देखे थे? देखे हैं, देखे हैं। खाली हेलीकॉप्टर देखना है कि तेजस्वी यादव को भी देखना है? सुन, भाषण देखना, उनको भी देखने आए। Thank you.
और ये देखिए यहाँ पर सारण लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी जी की जनसभा में लोगों की भीड़, और यहाँ लोग के अंदर गजब का उत्साह है, गजब का जोश है, जब लोग नारे लगा रहे हैं अपने नेता के लिए। और ये देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य यहाँ पर बैठी हुई है, और आरजेडी की भी गठबंधन इंडिया गठबंधन जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए आरजेडी का एक सपोर्टर पूरे बॉडी को हरा रंग से जो है कलर कर लिया है, और हर जगह आरजेडी आरजेडी लिखा हुआ है। परिवार के लिए कितना आगे रहती है, उसी तरीके से अपने जनता अपने लोगों के लिए हक हक अधिकार के लिए 24 घंटा आपके सामने खड़े रहेगी साथियों, सब 24 घंटा खड़ी रहेगी। हमारी बहनी रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही है, रोहिणी जी लड़ रही है, मतलब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। देखो हमको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, बोला कि तेजस्वी जी आपके जो कमर की हड्डी में जो चोट लगी है आप खड़े मत होइए, आप प्रचार में मत जाइए, आप 3 हफ्ता जो है बेड रेस्ट कीजिए। हम बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी को प्रवेश कर रहे हैं। इधर हेलीकॉप्टर है और उधर क्या है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। 150 से भी ज्यादा हम सवार कर चुके हैं एक हेलीकॉप्टर पे, हम और मुकेश सहनी जी होने से मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, यूपी के योगी जी, सब केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, सब केंद्र मंत्री आ रहा है, यानी एक हेलीकॉप्टर 20 हेलीकॉप्टर पर भारी है। और
प्रधानमंत्री आए पहले कल प्रधानमंत्री जी को रोजगार नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे ले आया। प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कुछ बोला बिहार के लिए क्या करेंगे, 10 साल में सारण के लिए क्या क्या बता दो। आज पूरे देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो ट्रेन का चक्का यहीं पर रहा है, समझ रहे हैं। अरे मोदी जी रेलवे को बेच दिए, लालू जी से तो जितना पूरी थाला सो सबके परमानेंट कर दिए थे देश भाटे कुली को, और बजट में किराया कम करते थे। लालू जी के समय प्लेटफॉर्म टिकट का 3 रुपया, आज हो गए 50 रुपया। भाड़ा तो छोड़िए, यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला के हवाई जहाज पे बैठाएंगे, आज जहाज का किराया सोचिए आसमान छू रहा है, 15,000-20,000 खाली दिल्ली जाएंगे बात तो। ये हालत है भाई, सबसे महंगा टिकट पकड़ा के दरभंगा के मोदी जी ने 14 में क्या कहा था भाई बहनों, नौजवान भाई साहब घरे ए मम्मी है पापा अच्छे दिन नौकरी मिल जाएगा है ना। देखिए झूठ बोले छुरा लगा दिए हम लोग, लालू जी यूनिवर्सिटी दिए, कारखाना दिए, हम कितना रोड दिए, बाईपास दिए, डबल डेकर दिए, सारा भी हम लोग करवा रहे हैं, काम तो हम लोगों ने किया। आते कहाँ दे दिए किसी और को, पिछड़ा पन्ने जो भी पिछड़ी जाती चाहे कोई धर्म के हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबको आरक्षण, सबको मिला आरक्षण। तेजस्वी 5 लाख नौकरी तो दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया है, यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था, वो तो 8 लाख पूरा हो जाता चाचा जी पढ़ गए। अरे चाचा जी पढ़ने में चाचा जी को हाई चाक कर लिए भाजपा वाला, अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे भूख करी हार लग रहा था, हमको बहुत पीड़ा हुई दुख हुआ, उनको नीचे खड़ा कर दिया मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो और अपने मुंह पे लाइट बढ़वा रहे, अब चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तक किया है, हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है मन यही है, मोदी जी का आज नामांकन था, हमारे चाचा जी बीमार पड़ गए नामांकन में ना गए, हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में आए 24 में जाएंगे, भतीजा वही काम कर रहा था।